नमस्कार, स्वागत है आप सबका। मैं पुनीत पाठक हूं और आप देख रहे हैं खबर बेबाक पर। आज के सबसे बड़े टॉपिक पर समग्र जानकारी। इस वक्त देश की मोदी सरकार एक के बाद एक कई ऐतिहासिक फैसलों को लागू करने का कीर्तिमान रच रही। 2024 के इलेक्शन के ठीक पहले सीएए पर जहां सारे देश में एक तरह से वाक युद्ध छिड़ा हुआ है, सीएए के पक्ष और विपक्ष वाले दल अपने अपने तर्कों से बहस को गर्मा रहे हैं। वहीं एक और मुद्दा है देश में सबसे बड़े क्रांतिकारी चुनाव सुधार का, वन नेशन वन इलेक्शन। वन नेशन वन इलेक्शन पर आज रिपोर्ट सौंप दी गई। आज माने बुधवार को यह रिपोर्ट राष्ट्रपति के समक्ष सौंप दी है। तो कमेटी ने अपनी रिपोर्ट देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को दे दी है और इस कमेटी को जिसने रिपोर्ट सौंपी है उसके अध्यक्ष पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी हैं। गुरुवार 14 मार्च 2024 के इतिहास में वो तारीख दर्ज हो चुकी है जब 18,626 पन्नों की रिपोर्ट राष्ट्रपति के पटल पर है, उनके सामने है। 2 सितंबर 2023 को एक पैनल बनकर तैयार हुआ था जिस पैनल में देश के राष्ट्रपति को इसका अध्यक्ष बनाया गया, पूर्व राष्ट्रपति को इसका अध्यक्ष बनाया गया। 2 सितंबर 2023 में ये कमेटी बनी थी जिसके अध्यक्ष बनाए गए रामनाथ कोविंद जी। पहली बैठक हुई 23 सितंबर 2023 को जोधपुर ऑफिसर्स हॉस्टल दिल्ली में और इस बैठक में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के अलावा देश के गृह मंत्री अमित शाह, पूर्व सांसद गुलाम नबी आजाद और 8 मेंबर कमेटी के शामिल हुए। इसके अलावा एक स्पेशल मेंबर के तौर पर देश के कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल भी इसका हिस्सा बने। इस कमेटी ने कुल 191 दिनों तक गहन रिसर्च की और इस रिसर्च में बड़े बड़े स्टेक होल्डर माने जिनका इस बड़े फैसले से जुड़ाव है, सीधे जिम्मेदारी बनती है, उनके साथ बातचीत की, पॉलिटिकल दलों से बातचीत की, कानून के विशेषज्ञों से बातचीत की और इस पर अपनी रिसर्च को कंप्लीट किया 191 दिनों में। सबसे बड़ी बाधा इसमें देश के राजनीतिक दलों का ओपिनियन, उनका इस पर एकमत होना है क्योंकि चुनाव देश के राजनीतिक दल ही लड़ते हैं। तो देश में इस रिपोर्ट में बताया गया है कि 47 राजनीतिक दल हैं विभिन्न, उनसे चर्चा की गई और चर्चा के बाद में इस वन नेशन वन इलेक्शन के फैसले के पक्ष में 47 में से ज्यादातर, एक बड़ा हिस्सा 32 दल इसके साथ हैं और 15 दल इसके विरोध में। जो दल इसके साथ में है उसमें देश की सत्तासीन भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी दल है यानी पूरा एनडीए, जिसमें बीजेडी और एआईएडीएमके जैसे दल भी साथ में हैं। इसके विरोध में कांग्रेस पार्टी और उसके सहयोगी दल हैं, आप एक तरह से इंडी गठबंधन कह सकते हैं। साथ में डीएमके, एनसीपी और टीएमसी जैसे दल भी हैं जो इस वन नेशन वन इलेक्शन का विरोध कर रहे हैं। उनका तर्क है कि इससे स्वायत्तता भंग होगी, संघीय ढांचा भंग होगा, संवैधानिक अधिकारों का हनन होगा, केंद्र का दखल इसमें बढ़ेगा, एक तरह से उनका विरोध है संवैधानिक मूल्यों को लेकर। अब इस पर भी जाहिर तौर पर कमेटी ने रिपोर्ट में अपनी बात विस्तार में कही होगी। इस रिपोर्ट में निर्वाचन आयोग, देश का विधि आयोग और कानूनी एक्सपर्ट की राय भी शामिल है राजनीतिक दलों की राय के साथ। इस रिपोर्ट में क्या लाभ बताए गए, 3 प्रमुख तौर पर इसकी जरूरत देश को है, वन नेशन वन इलेक्शन की जरूरत है, इस पर बल दिया है। पहला है जनता का हित, सीधे तौर पर जनता का हित है। पर यह हित कैसे है? एक तो तेज गति से आर्थिक विकास के लिए फंड का उपयोग हो पाएगा क्योंकि बार बार इलेक्शन के झंझट से, झमेले से देश और जनता मुक्त हो जाएगी। जाहिर है जब देश के लोगों का पैसा बचेगा तो आर्थिक विकास भी तेज होगा, जनता का हित भी होगा और महंगाई पर कंट्रोल होगा, यानी एक तरह से महंगाई के जिम्मेदार फैक्टर्स में से बड़े फैक्टर पर इस वन नेशन वन इलेक्शन के द्वारा लगाम कसी जा सकती है। पैनल ने कुछ सुझाव दिए हैं जो आज की तारीख में आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। तो सबसे प्रमुख बात, पैनल ने सुझाव क्या दिए, पैनल ने जो सुझाव दिए उनको हम पॉइंट वाइज आपको बताते हैं। सबसे पहला, सभी राज्यों के विधानसभा के कार्यकाल अगले लोकसभा चुनाव 2029 तक के लिए आप एडजस्ट करें, यानी अगले चुनाव जब एक साथ हों तो वो सीधे 2029 में लोकसभा चुनाव के साथ हों। ऐसा करने की स्थिति में 2 बड़ी कठिनाइयां हैं। नंबर दूसरा, उसी से संबंधित सुझाव, अगर हंग असेंबली होती है यानी अगर त्रिशंकु जैसी कोई स्थिति बने या बीच में आपको विधानसभाओं को भंग करना पड़े या बीच में नो कॉन्फिडेंस मोशन सरकारों के खिलाफ लाया जाए तो बचे हुए 5 साल के कार्यकाल के लिए नए सिरे से चुनाव कराएं बजाय इसके कि कोई एडजस्टमेंट वाली सरकार चले। नंबर तीसरा सुझाव, पहले चरण में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव आप एक साथ करा लें और दूसरे चरण में
अगला सुझाव, 100 दिनों के भीतर आप लोकल बॉडीज, नगर सरकार, ग्राम सरकार, इनके इलेक्शन कराएं। पांचवा सुझाव, देश का चुनाव संभाले देश का चुनाव आयोग, यानी जिसमें विधानसभा और लोकसभा चुनाव को मिलाकर कराने की व्यवस्था हो, उसमें केंद्रीय निर्वाचन आयोग की भूमिका हो, सीधे तौर पर वो जिम्मेदारी ले, और स्थानीय निकाय जो 100 दिनों के भीतर कराने का प्रस्ताव है, इसके लिए राज्य चुनाव अधिकारी सबसे पहले व्यवस्था करें सिंगल वोटर लिस्ट की और सिंगल वोटर आईडी कार्ड की, यानी इन व्यवस्थाओं को सबसे पहले सुनिश्चित करें, जिम्मेदारियां बांट दी गई। अगर ऐसा सुझाव मल में आता है तो एक साथ चुनाव के लिए अगला सुझाव है कि सारे उपकरण, मैन पावर और सुरक्षा बल, क्योंकि देखिए चुनाव में ईवीएम्स का इस्तेमाल होता है, वीवीपैट का इस्तेमाल होता है, इसके अलावा बहुत बड़ी संख्या में आपको चुनाव करवाने के लिए हर एक बूथ पर जिम्मेदार अधिकारियों की आवश्यकता होती है, तो मैन पावर और सुरक्षा में आपको पैरामिलिट्री फोर्सेस से लेकर पुलिस का, स्थानीय पुलिस का उपयोग करना पड़ता है, तो इनकी व्यवस्था, इनकी प्लानिंग पहले से कर लें। अब अगर ये रिपोर्ट लागू होती है तो क्या केवल इस सुझाव के आधार पर हो जाएगी? अगले चरण क्या होंगे समझते हैं। तो सबसे पहले लोकसभा चुनाव 2024 का निपटेगा, इसके बाद जो भी सरकार बनेगी उसमें केंद्रीय कैबिनेट के सामने ये रिपोर्ट पेश की जाएगी, जो आज देश के राष्ट्रपति महोदया के हाथ में, उनके टेबल पर है। कैबिनेट इस रिपोर्ट को अगर पास करता है तो मामला आगे बढ़ेगा, कैबिनेट से पास होने के बाद ये देश के कानून मंत्रालय के पास जाएगी और कानून मंत्रालय विधि आयोग की सिफारिश के मुताबिक संविधान में एक नया खंड जोड़ेगा, एक नया कॉलम जोड़ेगा, और इस कॉलम में वो संशोधन वाले प्रस्ताव होंगे, प्लानिंग होगी कि कैसे एक देश एक चुनाव संपन्न हो पाएगा। कैबिनेट से पास प्रस्ताव को संसद के दोनों सदनों में पास करवाना पड़ेगा, फिर राज्य की विधानसभाओं में इस प्रस्ताव को पारित कराने की सिफारिशें की जाएंगी, कई सारे राज्य इसके समर्थन में और कुछ इसके विरोध में रह सकते हैं, फिर इसके बाद तीन चरणों में 2029 तक लोकसभा और विधानसभा के चुनाव साथ लाने की प्लानिंग पे काम शुरू करना पड़ेगा, यानी एक है संवैधानिक प्रक्रिया और दूसरी है इसका प्रैक्टिकल पहलू। अब आते हैं कि अगर ये लागू हो जाए तो किन पर असर पड़ेगा, जरा वो भी देख लें। कई राज्यों में विधानसभाओं के कार्यकाल में आपको एडजस्टमेंट करने पड़ेंगे अगर आपको अगला चुनाव वहां 2029 में एक साथ कराना है तो। इसमें सबसे बड़ा असर हमारे मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर होगा, पर सबसे पॉजिटिवली होगा अगर होता है। 2023 के अंत में आपको याद होगा अलग अलग चरणों में पहले 3 राज्य और फिर 5, कुल 8 राज्यों के चुनाव हुए थे 2023 में, तो इनमें कार्यकाल को आगे बढ़ाना पड़ेगा। विधि आयोग के प्रस्ताव पर सभी दल सहमत हो गए तो 2029 में ही पहला देश का वन नेशन वन इलेक्शन पॉसिबल हो पाएगा। दिसंबर 2026 तक 25 राज्य हैं जहां विधानसभा चुनाव आपको कराने पड़ेंगे, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना, मिजोरम, जहां पिछले साल 23 में इलेक्शन हुए हैं, वहां विधानसभा का कार्यकाल आपको अगले 6 महीने के लिए बढ़ाकर 2029 जून तक करना पड़ेगा, और फिर सभी राज्यों के चुनाव एक साथ हो पाएंगे, विधानसभा के और लोकसभा। अब जरा देखें प्लानिंग क्या है जो प्रस्तावित है, जो आज रिपोर्ट दी गई, इसमें तीन चरणों में रिपोर्ट के मुताबिक वो डेट एडजस्टमेंट का प्लान भी। पहला चरण होगा 8 राज्यों की वोटिंग वाला, जून 2024 में आपको वोटिंग करानी पड़ेगी। इन राज्यों में कौन है? आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, ओडिशा, सिक्किम, और 4 राज्यों में विधानसभा कार्यकाल 5 से 8 महीने आपको कम करना पड़ेगा। हरियाणा, महाराष्ट्र, झारखंड, दिल्ली, यहाँ जून 2029 तक विधानसभाओं में पूरे 5 साल तक आपको कार्यकाल मिल पाएगा। लेकिन दूसरा चरण आप देखें, दूसरे चरण में 6 राज्य हैं जहां वोटिंग नवंबर 2025 में होना निर्धारित है। बिहार में जो मौजूदा कार्यकाल है वो पूरा होने के बाद 3.5 साल का आपको अगला कार्यकाल मिलेगा, यानी ये टर्म तो पूरा हो जाएगा लेकिन अगला टर्म आपको 2029 में मिलेगा और ये 3.5 साल का होगा। अब बाकी के राज्य दूसरे चरण वाले, असम, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और पुडुचेरी, यानी ये 5 राज्य ऐसे हैं जहां मौजूदा कार्यकाल में भी कटौती होगी, 3 साल 7 महीने की कटौती करनी पड़ेगी, और उसके बाद 2029 के लिए बीच में इलेक्शन के बाद आपको 3.5 साल फिर मिलेंगे, यानी दोनों कार्यकाल, मौजूदा कार्यकाल और अगले कार्यकाल में भी कटौती होगी। तीसरा चरण होगा एडजस्टमेंट वाला, 11 राज्य में वोटिंग से जुड़ा, दिसंबर 2026 में बड़े बड़े राज्य उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा, मणिपुर, पंजाब, मौजूदा कार्यकाल जो अभी चल रहा है इसमें 5 महीने की कटौती करनी पड़ेगी,
इन 5 राज्यों में अगला कार्यकाल भी कम होगा, तकरीबन 2.25 साल का। फिर इसके बाद आप कुछ और राज्य देखें, गुजरात, कर्नाटक, हिमाचल, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा, इसमें मौजूदा कार्यकाल 13 से 17 माह कम होगा और अगला कार्यकाल आपको केवल 2.25 साल का मिलेगा। तो ऐसे 3 चरणों में आप चुनाव करा सकते हैं विधानसभाओं के, जिसमें बीच में एक चुनाव, जिसमें कुछ कार्यकाल पूरे, कुछ अधूरे, कुछ आधे से कम। 3 चरणों की तैयारी के बाद कुछ जगह कार्यकाल बढ़ा करके, कुछ जगह कटौती करके होगा ये कि सभी विधानसभाओं का कार्यकाल फाइनली जून 2029 पर जाकर खत्म होगा। और कोविंद कमेटी विधि आयोग से एक और प्रस्ताव मांगेगी, ठीक इसी तरह का प्लान मांगेगी स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर, वहां भी इसी तरह के एडजस्टमेंट करने पड़ेंगे, कुछ चुनाव समय से पहले, कुछ चुनाव एक्सटेंड करते हुए। वन नेशन वन इलेक्शन क्या है, इस पर हम पहले भी आपको एक वीडियो दिखा चुके हैं। एक देश में एक साथ चुनाव हो, यह व्यवस्था वन नेशन वन इलेक्शन कहलाती है। लोकसभा और विधानसभा के चुनाव फिलहाल अलग अलग जगह अलग अलग वक्तों पर होते हैं, हर राज्य में अलग समय होने से कोई ऐसा साल नहीं बीतता जब देश में कहीं ना कहीं लोकसभा या विधानसभाओं के इलेक्शन की तैयारी हो रही हो। देश में तो एक साथ इलेक्शन हो जाते हैं, पर हर राज्य में कहीं ना कहीं कोई ना कोई इलेक्शन चल रहा होता है। इसमें बहुत सा श्रम, बहुत सा धन और बहुत सा वक्त लगता है, इसी से बचने के लिए वन नेशन वन इलेक्शन। देश में आज़ादी का समय आप याद करें तो आज़ादी के वक्त आप देखेंगे पहले एक साथ ही चुनाव हुआ करते थे, लेकिन फिर धीरे धीरे करके असेंबली भंग होती चली गई और 1968 के बाद लगातार 68 में, फिर 69 में और इसके बाद 70 में देश की जो लोकसभा थी वो भी भंग हुई और फिर ये सारे चुनाव एक के बाद एक अलग अलग वक्त पर होते चले गए। तो लोकसभा विधानसभा चुनाव में एक साथ होने से मतदाताओं के लिए सहूलियत होगी, लोकसभा विधानसभाओं के लिए एक साथ वोट आप डाल पाएंगे, एक साथ सरकार चुन पाएंगे। 1952 से लेकर 67 तक ये व्यवस्था चलती रही, हर चुनाव एक साथ होते थे, लेकिन जैसा मैंने बताया कि 68 और 69 में कई विधानसभाएं भंग की गईं और फिर 1970 में लोकसभा भी भंग हुई और ऐसे में ये एक देश एक चुनाव धीरे धीरे करके अलग अलग वक्त पर होने लग गए और देश का बहुत सारा वक्त और पैसा इसमें जाता रहा। अब क्या मोदी सरकार इसे लागू करवा पाएगी, क्या वाकई इस रिपोर्ट के आधार पर अगला चुनाव 2029 का हम एक साथ एक वोट से एक ही दिन में दो तरह पर अपने विधायक को और सांसद को चुनकर प्रदेश के और देश की सरकार बना पाएंगे, देखना होगा। फिलहाल इस निर्णय पर और इस वीडियो पर, दोनों पर आप अपनी राय रख सकते हैं, आपकी राय का हमको इंतजार रहेगा। आप क्या मानते हैं, क्या ये व्यवस्था बेहतर है, क्या इस व्यवस्था से फायदा होगा, जो फायदे गिनाए गए हो पाएगा, आपकी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। इस वीडियो पर भी आप अपनी राय अवश्य दें कि क्या आप इससे और सरल भाषा में वीडियो चाहते हैं, अपनी राय प्रकट करें, आपकी राय का इंतजार रहेगा। धन्यवाद, नमस्कार।